हेलो बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में आज हम चर्चा करेंगे गणित के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं जानते तो हैं आप, पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे जिससे आपको परीक्षा में कुछ आसानी मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को। तो जो संख्याएं हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, काउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएँ या फिर नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी प्रारंभ होती हैं 1 से लेकर के अनंत तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक ये जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं आपने जाना, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये सभी नियमों का पालन करती हैं योग में, जैसे कि संवरक नियम है, क्रम विन्मय नियम है, साहचर्य नियम है, योग का तत्समक अवयव है, ठीक है। इस तरह से योग में सभी नियमों का पालन करती हैं, लेकिन घटाने में ये संवरक नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि जब आप किसी संख्या को उसी संख्या से घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, जो कि शून्य हमारी क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। तो इस तरह से संवरक नियम का पालन प्राकृतिक संख्याओं में घटाने की क्रिया में नहीं होता है। तो इसलिए हमें पूर्ण संख्याओं की जरूरत पड़ी, और पूर्ण संख्याएँ क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम जीरो को ऐड कर दें, शून्य को भी मिला दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होगा। तो पूर्ण संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, केवल प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला दिया हमने। तो जीरो को मिला देने पर यह आपकी पूर्ण संख्याओं की समूह हो जाती है, और पूर्ण संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। और इसमें संख्याएं आपकी कहाँ से स्टार्ट होंगी, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, और पूर्ण संख्याओं के समूह में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, शून्य हो गई। तो अब पूर्ण संख्याओं में भी कुछ कमियां रह गई जो कुछ नियमों का पालन नहीं करती थी, जैसे कि आप घटाने का प्रयोग करेंगे तो घटाने में जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर हमारा नेगेटिव आने लगता है, ऋणात्मक आने लगता है। तो ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं के समूह में नहीं आती हैं। तो जब हमने पूर्ण संख्याओं का विस्तार किया और उसको बढ़ा दिया तो हमें एक नया सेट प्राप्त हुआ, और उस सेट को हमने कहा इंटीजर्स, इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं का विस्तार करने पर एक नया समूह प्राप्त हुआ जिसे हम इंटीजर्स या पूर्णांकों का समूह कहते हैं। और पूर्णांक होते क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक आपका है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स, और थर्ड है जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो इंटीजर्स यानी कि शून्य पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर आपके शुरू होंगे +1, +2, +3 से लेकर के प्लस अनंत तक जाएंगे। शून्य पूर्णांक में केवल एक ही संख्या होगी, शून्य। और नेगेटिव इंटीजर्स आपके प्रारंभ होंगे -1 से और समाप्त कहाँ होंगे, -∞ तक। तो इन्फिनिटिव माइनस या प्लस नहीं होता है, लेकिन हम दिशा दिखाने के लिए माइनस का प्रयोग कर रहे हैं। तो -1, -2, -3 इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। आइए बच्चों, हम पूर्णांकों के योग, घटाना, गुणा और भाग की संख्या पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का हम योग कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। तो पूर्णांक संख्या आपने देखी 3 प्रकार की, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो 3 प्रकार में यदि ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का योग होगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास -5 है और दूसरी संख्या है -3 और इन्हें हमें जोड़ना है, तो क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इनको जोड़ देंगे और चिन्ह क्या लगाएंगे, इसी संख्या का लगाएंगे। यानी कि यदि दोनों जो ऋणात्मक अगर होंगी या दोनों धनात्मक होंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और चिन्ह क्या आएगा, जो दोनों संख्या पर चिन्ह है वही चिन्ह उत्तर में आएगा। लेकिन अगर दोनों पूर्णांक संख्याएं क्या हो, विपरीत चिन्ह की हो, यानी कि एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमने -5 लिया लेकिन इसको +3 ले लिया, तो
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के केस में हमेशा हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 3 को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या हमारी बड़ी है उसके आगे का जो चिन्ह होता है वही आपका उत्तर में आता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से जब दो समान होंगे, जैसे आपका प्लस 5 और प्लस 3 होता तो आप क्या करते, तो भी आप सीधे सीधे जोड़ देते हैं और चिन्ह आपका प्लस कर देता है, यानी प्लस 5 प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 8 एंड माइनस 5 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 8। आपने देखा कि दोनों ऋणात्मक थे तो भी जुड़ गए और दोनों धनात्मक थे तो भी जुड़ गए, लेकिन ऋणात्मक वाले जोड़ में आपने माइनस का चिन्ह लगाया और धनात्मक वाले जोड़ में आपने प्लस का चिन्ह लगाया। लेकिन जब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की होंगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो हमेशा हम घटाने की क्रिया करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे और उत्तर में बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह है वही चिन्ह हम लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि हमें दो पूर्णांक संख्याओं का घटाना करना है तो कैसे करेंगे। सपोज दैट अगर हमें माइनस 5 में से ही माइनस 3 को घटाना हो तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी संख्या होती है उसका हम योगात्मक प्रतिलोम लेते हैं। तो माइनस 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, प्लस 3, और इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 3 में माइनस 5 में प्लस 3 को हम जोड़ देंगे। यानी कि हमने पहले क्या किया, माइनस 3 का योगात्मक प्रतिलोम लिया, वो 3 आया और पहली संख्या में उसका हमने योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ दिया, तो माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरीके से बच्चों पूर्णांक संख्याओं के गुणन में हमने देखा कि यदि दो पूर्णांक संख्याओं की चिन्ह एक जैसे हों तो उनके गुणन में हमेशा सदैव क्या आता है, धनात्मक चिन्ह आता है, और यदि उनमें से किसी एक का चिन्ह विपरीत हो तो गुणनफल सदैव ऋणात्मक आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यदि दो पूर्णांक संख्याओं के चिन्ह समान हो, धनात्मक या दोनों ऋणात्मक हों, तो दोनों कंडीशन में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन यानी धनात्मक चिन्ह आएगा, और यदि एक धनात्मक एक ऋणात्मक या एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक होगा तो उत्तर सदैव क्या आएगा, ऋणात्मक में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमें माइनस 5 इंटू माइनस 3 करना होता है तो क्या आएगा, 5 3 या 15 तो आप करेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। और अगर दोनों प्लस हैं तो क्या होगा, दोनों प्लस हैं तो भी आपका साइन क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो ये पॉजिटिव आने वाला है। अब हम अगर एक को माइनस कर दें और एक को प्लस कर दें, माइनस 5 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू 5 3 या 15 तो होगा, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से पहले को पॉजिटिव करके और दूसरे को निगेटिव करें तो भी उत्तर वही आने वाला है, 5 इंटू 3 15 और प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इन दोनों केस में आपने देखा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया और इन दोनों केस में निगेटिव आ गया। तो इस तरीके से पूर्णांक संख्याओं का गुणा आपने देखा। और भाग में क्या करते हैं, देखिए जैसे हमें माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 3 करना है तो क्या होगा, अगर अंश और हर दोनों में एक ही चिन्ह होंगे तो उत्तर सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी एक आंसर हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सरलीकरण कर देंगे, यानी इसे सिम्प्लीफाई कर देंगे, और सिम्प्लीफाई करने के बाद जो आंसर होता है वही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह होता है, जैसे माइनस 3 बाई माइनस 5 है या प्लस 5 देते हैं, तो इसका आंसर आपका यही होगा, माइनस 3 बाई 5। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो यही हो गया, नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, अगर आपका माइनस 5 है लेकिन आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से, यानी अंश में नेगेटिव हर में पॉजिटिव, आंसर क्या आने वाला, नेगेटिव। और अगर अंश में पॉजिटिव लेकिन हर में नेगेटिव तो भी आंसर आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह समझ लें कि पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। बच्चों पूर्णांक संख्याओं में एक टर्म आता है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि निरपेक्ष मान। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याओं के निरपेक्ष मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो निरपेक्ष मान के लिए एक चिन्ह होता है इस तरह का, यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में यदि कोई संख्या लिखी हो तो इसका मतलब है कि हमें उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। जैसे
इस दो स्ट्रेट लाइन के बीच में -5 लिखा है तो हमें क्या करना है, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होता है, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस संख्या के धनात्मक मान के बराबर होता है, यानी परिमाण वही रहेगा लेकिन आप क्या करेंगे उसे उसमें से चिन्ह को गायब कर देंगे। पॉजिटिव हो तो भी आपको पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव होगा तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो ये इसको हम मॉड पढ़ते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो मॉड 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये पॉजिटिव होगा तो भी वैल्यू यही आनी है, ठीक है, यानी कि मॉडुलस साइन, इसको मॉडुलस साइन हम बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी संख्या है तो उसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, उसके धनात्मक मान के बराबर होता है। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा सम तथा विषम संख्याएं, यानी कि इवन एंड ऑड नंबर्स। सम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स, और विषम संख्याओं को बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, और वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो किसी भी संख्या को देख करके आप सम और विषम कैसे पहचानेंगे, यदि आप दो से विभाज्यता की जांच आसानी से कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि दी गई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या। तो दो से विभाज्यता के लिए हम क्या करते हैं, दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से यदि कोई संख्या आती है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है, एक सम संख्या है। और इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर ना आने के क्रम में हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, विषम। जैसे कोई भी संख्या में दे देंगे 2, 0, 5, 8, 6, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सीधे सीधे इकाई का हम देखते हैं, यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी संख्या आती है तो ये सम संख्या होगी। तो यहाँ आपको 6 दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, एक सम संख्या है, इट इज इवन। और कोई और संख्या लेते हैं, ठीक है, हमने ये संख्या ले ली 5 अंकों की और इसमें इकाई के स्थान पर क्या दिख रहा है, 7, जो कि इनमें से कोई भी अंक नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो इस तरीके से ऑड और इवन की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे अभाज्य तथा भाज्य संख्याओं की, यानी कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले, कि ऐसी संख्याएं जो है स्वयं से और एक से, यानी वन से और अपने आप से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। इट मीन्स द नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। और इसके विपरीत जो संख्याएं भाज्य नहीं होती, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं वे भाज्य होती हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी ऐसी संख्याएं वो अपने आप से और वन से कटने के अलावा किसी और भी नंबर से कटता हो, किसी और भी नंबर से विभाज्य होता हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। तो अब सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसके बाद आपका आता है 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस तरीके से यह क्रम आगे बढ़ते जाता है। और इसके बाद है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है यह प्रश्न, क्योंकि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो है, होती है 4। 1 जो है ये तो 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होगी ये 4 होगी। 4 के बाद आपका 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14, 15, इस तरीके से ये बहुत आगे तक बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा भाज्य संख्याएं क्या है और अभाज्य संख्याएं हैं, कभी कभी बहुत सारे बच्चों को इन संख्याओं में भी कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स तो आप जानते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसी संख्याएँ जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, यानी कि जिसका HCF 1 निकलता हो, वही क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स।
तो हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, कम से कम दो संख्याएं एक साथ लेंगे जिनका SCF या जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होंगे, केवल वन होंगे, वे क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे हम 4 और 7 लेते हैं, तो 4 और 7 का जब आप SCF निकालते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या है, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और भी कुछ ले सकते हैं आप, 4, 5 और 7 ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इनका भी SCF क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि आप करके देखेंगे 4 = 1 × 2 × 2, 5 = 1 × 5 and 7 = 1 × 7। तो कॉमन फैक्टर क्या मिला इसका, 1 मिला, यानी कि SCF क्या है, 1 है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, दीज आर को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं। तो आपके 4, 5, 7, 4, 7 इस तरीके से कम दो संख्याओं का ऐसा समूह जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनके SCF क्या मिलते हों, 1 मिलते हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। बच्चों अब हम बात करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। तो आपने कक्षा 7 और 8 में पढ़ा है परिमेय संख्याएं, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और क्यू क्या है, अशून्य संख्या, यानी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो पी बाई क्यू का मतलब क्या है, पी बाई क्यू हमने क्यों लिखा, पी बाई क्यू का मतलब है भिन्न, यानी किसी भी संख्या को यदि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जिसमें अंश और हर की दोनों संख्याएं क्या हो, पूर्णांक हो, और हर में शून्य ना हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। उदाहरण के रूप में आपने देखा 1, 5, 2/3, -5/7, 0/2 etc। तो यहाँ 0/2 भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश में 0 है लेकिन हर में 0 नहीं है। 1 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको 1 को 1/1 करके पी बाई क्यू के रूप में बना सकते हैं, 5 को भी बना सकते हैं, यह आपकी परफेक्ट रैशनल नंबर के फॉर्म में है। -5/7 की परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय को आप कहते हैं इरेशनल नंबर्स। तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी वे अपरिमेय संख्याएं होंगी, और यदि किसी भिन्न में हर में शून्य है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √2 है करणी में 2, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3, √5/7 ये भी परिमेय अपरिमेय है। और किसी अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक संख्या को जोड़ दें या घटा दें तो भी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, जैसे कि √2+3 या √2+5। तो इस तरीके से आपने देखा कि परिमेय संख्याएँ क्या हैं और अपरिमेय संख्याएँ क्या हैं।